सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। अब देखिए यहाँ पर आज हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ध्यान समझिएगा बच्चा, इन फिगर, अब ये हमारी देखो ये फिगर जो है ये थर्ड की है, ठीक है डायग्राम, और ये फोर्थ का नीचे वाला डायग्राम, ठीक है बच्चा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। कह रहा है एंगल पी क्यू आर, हमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, गिवन, क्या गिवन है बच्चा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमारी इक्वेशन वन है जी, बहुत जरूरी है। गिवन लिखेंगे तभी आपको, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप गिवन है प्रूफ है, हाँ आधा 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 हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स हाफ, ठीक है ये करना है। अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है बच्चा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है ये प्रूफ करना है, ठीक। अच्छा जी, ओहो वो मैंने हिंदी में लिखा है, आकृति यदि दिस, ये हमें दिया है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए मतलब प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में इसे सिद्ध करने लिख सकते हैं, सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रूफ, उत्पत्ति, हिंदी में से क्या कहते हैं, उत्पत्ति, चाय पत्ती नहीं उत्पत्ति, चाय पत्ती, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, हाँ अब हम क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। देखो ध्यान से समझिएगा बच्चा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एंगल एस क्यू पी, मैंने बाहर वाला एंगल लिया बच्चा, ये वाला एंगल देखो जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है भी देखते हैं। तो एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एस टी क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा है, तो लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, या फिर स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है ये कह सकते हैं आप, समझ में आ रहा है आपको बोनिका जी, ठीक है। नेक्स्ट एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180 डिग्री, इसको इक्वेशन वन मान लो, इक्वेशन टू मान लो, सेम एस टी जे स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई समस्या है तो बताएं। अब उसके बाद देखो दोनों, अब हमारे पास राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताएं, ठीक है। अब एक बात बताएं मुझे आप, गिवन क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये बराबर है, देखो जरा, तो पी क्यू आर की जगह मैं क्या पी आर क्यू लग दूं भैया, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लग दूं, अबे नहीं क्यों बराबर है ना, तो बीच में तो उसका वो अलग हो जाएगा ना, क्या अलग हो जाएगा ना, थोड़ा आराम से जाओ बीच में एक तो बस, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, अरे यार गड़बड़ हो गई, ये वन इक्वेशन है ना यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं रहने दो, यहाँ पर वन मत डालो, इसे लिख लो आप दिया है गिवन है, अरे गिवन लिख लो ना बस, क्या दिक्कत है। हाँ अब बताओ, देखो मैंने क्या करा, पी क्यू आर, पी क्यू आर की जगह मैंने पी आर क्यू लिख दिया, पी आर क्यू लिख दिया। अब दोनों देखो पी आर क्यू बराबर है, कट गए, अब हमारे पास क्या आ गया हमें जो, अरे यार प्रूफ करने के लिए बेटा, प्रूफ करने के लिए, एस अभी बता रहा हूँ, एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही प्रूफ करना था। अब बताओ तुम्हें कहाँ दिक्कत है, पहले तुम्हारी दिक्कत है भाई साहब, ये बराबर है ना, पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है, दिया है ये, तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया ये, ठीक है नोट करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आएंगे अब जरा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टफ नहीं है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा क्या करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें बेटा, हम क्या करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, देखो जरा ये देखो ध्यान से देखिए, हम सभी एंगल को पहले क्या कर लेते हैं बेटा, सभी एंगल को हम पहले ऐड कर लेते हैं एक बार, ठीक है सभी एंगल को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं एंगल, जो कि हमें देखो प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई ये गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो मेरा प्रूफ दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी एक लाइन प्रूफ करनी है, तो अगर हमारे पास वो एंगल 180 आ गया तो हमारा बात बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखो, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी
प्लस एंगल बी ओ डी इसका 380। भाई सभी एंगलों का सम कितना होता है, सभी एंगल का सम कितना होता है 300 डिग्री। पूरा अगर राउंड ले लेंगे 360 हो जाएगा वो, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों को अगर लिया जाए और इन दोनों को लिया जाए तो ये x है और ये क्या है बच्चा y है, और ये w है और ये क्या है बच्चा z है, ठीक है। अब एक चीज आपको गिवन है बेटा, यहाँ पर क्या गिवन है, देखो x प्लस y की वैल्यू w प्लस z है, तो हमने क्या लिख दिया w प्लस z और w प्लस z इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखो दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर 2w और 2z आ गया इसको 360, तो w प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180, है ना। W प्लस जेड कितना हो जाएगा 180। देखो इसी तरीके से सेम x प्लस वाई कितना हो जाएगा, वो भी 180 क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सो ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी हमारा क्या है बच्चा स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। सो ए ओ बी इज ए ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है बच्चा। यहाँ तो कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को तो बताएं, ठीक है, चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा बेटा। कोई भी डाउट हो कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर कमेंट करें। सभी को मेरा राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।